दोस्तों रियलमी ने नया फ़ोन लॉन्च किया है, रियलमी का रियलमी 9i, और अगर आप देखोगे तो इसकी प्राइसिंग भी बहुत अच्छी है, 10,000 से ऊपर है लेकिन 15,000 से नीचे है। तो आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट हो गए कि क्या आपको रियलमी 8i बाई करना चाहिए या फिर रियलमी 9i, क्या क्या मेजर पॉइंट्स हैं, क्या क्या मेजर डिफरेंसेज है दोनों ही फ़ोन्स में, उस चीज़ को आपको इस वीडियो के थ्रू मैं बताऊँगा। और दोस्तों साथ ही मैं आपको दोनों ही फ़ोन्स के बीच में अलग अलग कंपेरिजन करके भी बताने वाला हूँ कि आपको किस मामले में फ़ोन कौन सा ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे देगा और उसका रीज़न क्या है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो मेक श्योर वीडियो पूरा देखिएगा, और वीडियो पसंद आए लाइक करना मत भूलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, और आने वाली वीडियोस को देखते रहने के लिए टेक्टूबर्स को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों अगर मैं पिछले साल से अब तक देखूं तो जितने भी फ़ोन्स लॉन्च हुए हैं, चाहे वो रियलमी के हों या फिर रेडमी के हों या फिर सैमसंग के हो, आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, अगर नहीं करी होगी तो मैं आपको बता देना चाहूँगा। देखो यार, जितने भी फ़ोन्स लॉन्च हुए हैं, चाहे देखो एक फ़ोन लॉन्च होता है एक महीने पहले और एक महीने बाद जब दूसरा फ़ोन लॉन्च होता है, तो आपको एक चीज़ देखने को मिली होगी, बहुत कम ही मेजर डिफरेंसेस ऐसे होते हैं जो दूसरे फ़ोन में आपको देखने को मिलते हैं। मतलब अगर आपको एक फ़ोन में 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है, तो अगला फ़ोन जो लॉन्च होगा उसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये कर देंगे कि उसमें 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दे देंगे, या फिर थोड़ा सा बढ़ा के उसमें कुछ डिफरेंस साथ दे देंगे। या फिर आपको अगर IPS LCD देखने को मिली है एक फ़ोन में, तो दूसरे फ़ोन में आपको AMOLED स्क्रीन दे देंगे, बाकी तो स्पेसिफिकेशन थोड़ी सी ऊपर नीचे करके दे देते हैं। तो ऐसे में आप सभी के दिमाग में बहुत सारा डाउट क्लियर हो जाता है, डाउट क्रिएट हो जाता है। अब आप ये सोचते हो कि यार कौन सा फ़ोन बाई किया जाए, जो अभी लॉन्च हुआ है उसको बाई करें या फिर कुछ महीने पहले जो फ़ोन लॉन्च हुआ है उसको बाई करें। अगर आप परफॉर्मेंस वाइज देखोगे तो दोनों ही फ़ोन्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आपको नहीं मिलते हैं, लेकिन अब आप बहुत सारे कन्फ्यूज़न में होते हो कि यार नया फ़ोन है अच्छा होगा, बहुत सारी इम्प्रोवाइजेशन हुई होगी, सेम ब्रांड है, तो आपके दिमाग में ये सारा डाउट तो होता ही होगा। तो इसीलिए मैं आपके लिए बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो को थ्रू क्लियर करने वाला हूँ, क्योंकि मैं कंपैरिजन करूँगा रियलमी 8i और रियलमी 9i के बीच में, जैसे कि आपको मालूम चले कि इन दोनों फ़ोन्स में क्या मेजर डिफरेंसेस है, और आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों ही फ़ोन्स की लॉन्चिंग डेट में, और ना ही आपको दोनों ही फ़ोन्स की स्पेसिफिकेशंस में ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। बहुत सारी ऐसी आपको स्पेसिफिकेशन मिल जा रही हैं जो कि सेम है दोनों ही फ़ोन में, तो ऐसे में डाउट होना तो लाजमी है, हर किसी के दिमाग में डाउट हो जाता है। तो यहाँ पर बात करेंगे रियलमी 8i और रियलमी 9i के बीच में मेजर डिफरेंसेस क्या हैं और क्यों हैं। सबसे पहली चीज़ जो मेजर डिफरेंस आपको मिल रहा है दोनों ही फ़ोन्स में, वो देखने को मिलेगा स्क्रीन के मामले में। स्क्रीन भले ही आपको दोनों ही फ़ोन्स में सेम मिल रही है, IPS LCD मिल रही है, लेकिन यहाँ पर रिफ्रेश रेट के मामले में बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिल रहा है। एक फ़ोन में आपको 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिल रहा है, दूसरे में आपको 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिल रहा है। तो इस ये चीज़ जो है फ़र्क करती है फ़ोन की यूजेस में। अगर आप गेम कर रहे हो, गेम खेल रहे हो, और उस फोन में अगर आपको अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, अच्छा आपको फ्रेम रेट चाहिए, तो आपको ज़्यादा रिफ्रेश रेट होगा तो अच्छी आपको फ्रेम रेट से मिल जाएंगे, जबकि अगर आपको लोअर रिफ्रेश रेट मिलती है तो आपको फ्रेम रेट भी थोड़े से कम मिल जाते हैं। तो एक तो ये फर्क हो जाता है, और दूसरा अगर आप फोन यूज करते हो तो आपको स्मूथनेस के मामले में बहुत ज्यादा फर्क देखने को मिलता है। तो स्क्रीन एक ज्यादा मेजर फैक्टर रखती है, चाहे वो रिफ्रेश रेट हो या फिर स्क्रीन की क्वालिटी हो। तो यहां पर अगर क्वालिटी वाइज देखा जाए रियलमी 8i बेस्ट है अगर स्क्रीन देख रहे हो आप, और अगर आप रियलमी 9i को देखोगे तो वो भी ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ख़राब है, लेकिन हाँ कंपैरिजन करोगे अगर रियलमी 8i से तो आपको कम देखने को मिल जाएगी रियलमी 9i की स्क्रीन। दोस्तों एक तो ये हो गया डिफरेंस, दूसरा अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ तो फ़ोन में आपको सेम बैटरी मिल रही है 5000 mAh की, लेकिन जो चार्जर आपको मिल रहा है रियलमी 8i में वो सिर्फ 18W का मिल रहा है, जबकि 9i में आपको 33W का चार्जर मिल रहा है। तो आपको यहाँ भी एक डिफरेंस देखने को मिल जा रहा है। अब आप ये सोच रहे होगे कि यार 33W ज़्यादा अच्छा है या फिर 18W का। देखो अगर आपको कम टाइम में फ़ोन को चार्ज करना है तो बेस्ट रहेगा आपको 33W का चार्जर, लेकिन अगर आपको है आपको फुल डे यूजर्स तो दोनों ही फ़ोन्स में मिल जाएगा, लेकिन जो फ़ोन कम टाइम लगेगा चार्ज होने में वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरे हिसाब से यहाँ पर 9i ज़्यादा अच्छा है। और आपको अगर मैं और भी मेजर डिफरेंसेस के बारे में दोनों ही फ़ोन्स के बारे में बताऊँ तो यहाँ पर कैमरा तो सेम है, इसमें कोई भी आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा। हाँ भले ही आपको इमेज क्वालिटी में मिल जाए डिफरेंस, क्योंकि प्रोसेसर डिफरेंट है तो आपको इमेज प्रोसेसिंग भी डिफरेंट मिल जाएगी। और यहाँ पर अगर मैं प्रोसेसर की बात करूँ तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको मिल रहा है। अब ये सोच रहे होगा कि दोनों ही फ़ोन्स की जो इनिशियल प्राइसिंग है वो है 13,999 रुपये, तो उतना ज़्यादा तो परफॉर्मेंस के मामले में डिफरेंस नहीं होना चाहिए, जबकि एक फ़ोन में आपको स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर मिल रहा है, बाकी चीज़ें आपको सेम मिल रही हैं। लेकिन अगर मैं आपको कंपैरिजन करूँ दोनों ही चिपसेट की परफॉर्मेंस के हिसाब से, तो आपको G96 जो मिल रहा है रियलमी 8i में, वो परफॉर्मेंस वाइज बहुत बेटर परफॉर्मेंस आपको दे देगा एज़ कम्पेयर टू स्नैपड्रैगन के 680 के साथ में। अब आप ये सोच रहे हो कि यार मैं तो हमेशा अपनी वीडियोज़ में कहता हूँ
कि यार स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर बहुत अच्छे होते हैं, आपको हमेशा यही फ़ोन बाई करना है जिसमें कि स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर हो। लेकिन यार ये भी तो सोचो कि आपको ऐसा फ़ोन देखने को मिल रहा है जिसकी परफॉर्मेंस, चाहे वो बैटरी लाइफ हो या फिर गेमिंग परफॉर्मेंस हो या फिर ओवरऑल परफॉर्मेंस हो, हर मामले में अगर आपको मीडियाटेक का प्रोसेसर ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है तो मेरे हिसाब से स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर का आपको साइड रख देना चाहिए और आपको बाई करना चाहिए मीडियाटेक के प्रोसेसर को, क्योंकि उसमें आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। तो अच्छी परफॉर्मेंस हमें चाहिए, ना कि उनको एक ऐसा नाम चाहिए जो कि सिर्फ नाम का हो, बाकी काम का तो ना हो। वैसे में मेरे हिसाब से आपको जाना चाहिए Realme 8i के साथ में, क्योंकि परफॉर्मेंस वाइज बहुत ज़बरदस्त आपको फ़ोन मिलेगा अगर आप कंपैरिजन करते हो Realme 8i के साथ में। और एक चीज़ और भी, आप सोच रहे होगे कि दोनों ही फ़ोन में आपको वर्चुअल रैम का सपोर्ट मिल रहा है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपको 6GB का अगर आप फ़ोन को बाई करते हो 6GB वेरियंट को, तभी आपको वर्चुअल रैम का सपोर्ट मिलेगा। तो अगर आप ये चीज़ सोच रहे हो, देख के ले रहे हो फ़ोन को, तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि तब दोनों ही फ़ोन की जो प्राइसिंग होगी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी 15,999 रुपए के आसपास, और इस प्राइस पॉइंट पर मेरे हिसाब से ये दोनों ही फोन्स अच्छे नहीं रहेंगे। आपको बहुत अच्छे फोन्स मिल जाएंगे, चाहे वो 4G हो या फिर 5G हो। हाँ, एक चीज मुझे और भी अच्छी लगी दोनों ही फोन्स की, वो ये है कि आपको करियर एग्रीगेशन का सपोर्ट मिल रहा है, जिससे कि आपको नेटवर्क के मामले में दिक्कत नहीं होगी। तो ये तो दोनों ही फोन्स की कॉमन आपको एडवांटेज मिल जा रही है, कॉमन आपको अच्छी चीज मिल जा रही है। तो अब आते हैं कंक्लूजन की तरफ कि कौन सा फोन आपको बाय करना चाहिए। प्राइस वाइज देखोगे तो दोनों ही फोन सेम है, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज देखोगे तो रियलमी 8i बहुत जबरदस्त है। कैमरा परफॉर्मेंस देखोगे तो इस मामले में हो सकता है आपको रियलमी 8i में अच्छा परफॉर्मेंस मिल जाए, या फिर ये हो सकता है कि आपको रियलमी 9i में अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाए। अगर आप फोन को बाय करते हो, चाहे वो रियलमी 8i हो या फिर रियलमी 9i हो, तो दोनों ही फोन अच्छे हैं, लेकिन अगर आपको अच्छा डिजाइन चाहिए, अच्छा लुक्स वाला फोन चाहिए, तो मेरे हिसाब से रियलमी 9i अच्छा परफॉर्मेंस आपको दे देगा, चाहे वो लुक्स के मामले में हो या फिर बिल्ड क्वालिटी के मामले में। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो आपको एक चीज तो मालूम चली गई होगी कि भले ही फोन एक साल या फिर 6 महीने बाद लॉन्च हो या फिर 6 महीने पहले लॉन्च हो, लेकिन जिसमें स्पेसिफिकेशन अच्छी होती है, जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, आपको उस फोन को चूज करना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि आपको 2 साल या फिर 3 साल पुराना फोन बाई करना चाहिए। हाँ, अगर आपको फ्लैगशिप फोन मिल रहा है लेकिन ज्यादा पुराना नहीं, लगभग 1.5 साल या फिर 2 साल पुराना, जो कि सस्ते में मिल रहा हो, तब मेरे हिसाब से आपको बाई करना चाहिए। लेकिन अगर आपको बजट फोन सस्ते में मिल रहा है जिसका कि जो कि 2 साल या फिर 3 साल पुराना हो चुका है, तो मेरे हिसाब से उस फोन को बाई नहीं करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, और आने वाले वीडियोस को देखते रहने के लिए टेक ट्यूबर्स को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।